यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपीएससी सीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यूपीएससी के रिजल्ट में बिहार का बोलबाला रहता है। इस बार बक्सर की गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान मिला है, जो प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। गरिमा के इस उपलब्धि पर बिहार के राजनीतिक दिग्गजों ने बधाइयां भी देना शुरू कर दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट कर गरिमा को शुभकामनाएं दी हैं। तारकिशोर प्रसाद ने लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में बिहार के बक्सर निवासी गरिमा लोहिया ने देश में टॉप सेकंड किया है। बिहार की बेटी की इस अभूतपूर्व कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गरिमा की इस सफलता पर पूरा परिवार बेहद खुश है। गरिमा की मां ने कहा है कि सबको अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। कहना चाहूंगी कि बेटियों को पढ़ाया जाए और आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी के इस मुकाम पर देखकर। क्या नाम पड़ेगा? स्मिता लोहिया। आज कितनी पकड़े हैं? बहुत ज्यादा। इसके लिए कितनी मेहनत की? मैंने इसके लिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं रात दिन जगना साथ में, जैसे बच्चे सोते हैं तो मैं भी सोती थी, ये उठती थी वैसे उठती थी, बस वही दौर था कि मेरी छोटी बच्ची थी, इसके साथ ये सोती तो मैं सोती, ये जगती तो मैं जगती, इसके साथ ही साथ में रहती। इन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ मम्मी भी पढ़ाई थी, मतलब ये बैठी रहती पढ़ती तो मैं इसके साथ ही साथ रहती थी, जब ये सोती तब मैं भी सोती। कितना टफ है जैसे कि माँ, एक माँ पिता और माँ दोनों का प्यार मिला आपके द्वारा पढ़ाई इस मुकाम तक पहुँचना? टफ तो था लेकिन आगे बढ़ना भी था। वो कल को देखकर तो आज जिया नहीं जाता। आज खुशी हो रही है? आज बहुत खुशी है, मेहनत सफल। अपनी सफलता पर बात करते हुए गरिमा ने कहा कि सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपको बता दे कि यूपीएससी सीएससी 2022 की परीक्षा में इस बार लड़कियों ने बाजी मार ली है। इस बार टॉप 5 में 3 लड़कियां हैं। इनमें से इशिता किशोर ने टॉप किया है और दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया हैं। वहीं चौथे नंबर पर स्मृति मिश्रा हैं। क्या सोचती है ये दोस्त ने है, आप सेवा करना है, मतलब किस प्रकार से इस भविष्य को देखती है? और ऐसे जो आप लगातार न्यूज चैनल देखती होंगी, कई प्रकार के ऐसे माहौल आते हैं जहां आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, तो क्या कहेंगी इस पर, आपकी क्या राय है? अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी अपने देश को और आगे बढ़ाने। आपका सबसे प्रिय फूड खाना क्या है? छोले भटूरे। और दिन में कितनी बार खा सकते हैं? दो बार। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ग्रामीण परिवेश या कहा जाता है कस्बाई इलाके में शिक्षा का स्तर, आप तो बक्सर से ही शिक्षा ग्रहण की, तो कहा जाता है कि महानगर या बड़े जगहों के कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने वाले लोग ही इस तरह का बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। आप क्या संदेश देंगी खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती। अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें। और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है, आपके आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कम्फर्ट मिल रहा है या अपने घर पर रहकर पढ़ने में कम्फर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कॉन्सेंट्रेशन लेवल की अगर बात किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए पढ़ाई पर, मतलब आखिर किस प्रकार योग करती थी या क्या? आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपना
अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज़्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। सफलता का मैं अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ, खास करके अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ और ये सक्सेस सिर्फ मेरा नहीं बाकी सबका भी है। ये बात इंस्पायर करता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है छात्रों के लिए घर में रखकर पढ़ना। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये इस टॉपिक पर आप नज़र रखेगा तो हो सकता है कि आप ऐसे सफलता हासिल कर लो, छात्रों को क्या कहेंगे आप? जी बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफ़र करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही IAS बनी हूँ अपने घर से। आपके पापा? मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे, उनका 2015 में निधन हुआ। अभी अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो हाउसवाइफ और आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी, तो स्ट्रगल तो बहुत है। जी जी जरूर स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। सफल होने का कोई एक फॉर्मूला तो नहीं होता है, पर सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। जो आपके लिए काम करे आप उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर अमल करें, फोकस्ड रहें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। अच्छा, आगे क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? आज जो भी मैं बनी हूँ ये समाज का बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो जो भी मैं एज अ युवा समाज को वापस दे पाऊँ, योगदान दे पाऊँ, मैं सब कुछ करना चाहूँगी। क्या ये सच है कि आप बक्सर में रह कर ही इसकी तैयारी की है या कहीं बाहर से? जी, मैंने बक्सर में रहकर ही तैयारी की है। कैसे तैयारी की? ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और सब कोचिंग्स जो भी हो पाए सब ऑनलाइन ही लिया।